हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अक्कू कर रही है आप सभी को नमस्ते, यानी कि प्रणाम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आशा करती हूँ आप सभी होंगे अच्छे मस्त और मज़े में। तो मैं भी हूँ एकदम बढ़िया और हम सब है एकदम बढ़िया। तो आज मैं आपको बता दूँ, बाहर हो रही है बारिश स्टार्ट। आज तीसरा दिन है, दो दिन बारिश तो नहीं हुई, मौसम ख़राब था, बट आज बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 5:30 बजे से जो है वो बारिश लगी थी और मैं 5:30 बजे उठ गई थी। तो ये अभी उठ रही मेरी, अभी टाइम हुआ रहा है 7:00 बज रहे हैं। तो आपको दिखा दूँ मैं, हीटर जो है वो ऑन हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। और मेरे किचन में जो है वो राजमा पक रहे हैं और साथ में मैं बना रही हूँ आज गर्मा गर्म मेथी के परांठे। तो अब हम जाके मिलेंगे किचन में, क्योंकि मेरी शुरुआत तो किचन से ही होती है। और जैसे कि अब मौसम भी आज बारिश वाला है, तो आज तो हम मैक्सिमम जो है काम करेगा खाने और पीने का। तो क्योंकि बाहर होगी बारिश, हम तो बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो हम इंजॉय करेंगे घर में। बाहर बारिश हो रही है, चलो पहले हम गर्म कपड़े पहनेंगे, फिर उसके बाद देखते क्या करना है, ठीक है? तो आप लोगों से मिलते हैं किचन में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जी, हम आ चुके हैं किचन में। तो ये रही मेरी मेथी और मैंने इसे प्लेट में काट दिया। आज बन रहे हैं ब्रेकफास्ट मेथी के परांठे। और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे ये कुकर में मेरे दाल लगी हुई है। दाल मैंने आज राजमा की कराई और इधर हमारे गर्म पानी हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जो है सभी गर्म पानी पी लेते हैं पहले। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मेथी के परांठे बनाना। देखो मेरे परांठे जो है वो गोंद लिए हैं और इस तरह के दिख रहे मेरे जो परांठे मैंने गूंद के रखे हुए। फिलहाल मैं अब थोड़ी देर इसको ऐसे ना ढक के रखूंगी। राजमा बन के रेडी हो गए है, वो आपको दिखाती हूँ। ऐसे दिख रहे मेरे राजमा, ये देखो। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, इधर हो रही है परांठे की तैयारी। तो मैं परांठे बना रही हूँ पैन में और ये देखो, ये देखो। और ये मेंढक भी पहुंच चुका है हमारा। ये बहुत शरारती हो गया, बार बार इसको जैकेट कपड़े पहना रहे और ये खोल रही है। और मैं सबको बता रही हूँ, आपको यहाँ देखो, मैं आपको दिखाई देती हूँ उसकी शक्ल। दिखा तो कहाँ है, क्यों मुँह पीट क्यों चुपा रही, क्यों जा रही उधर? और वो देखो, देखो वो देखो कैसी छुप गई। इसने जैकेट भी निकाल दिया, सॉक्स, शूज, टोपू, सब कुछ निकाल दिया इस लड़की ने। शेम शेम करवाई मैंने सबसे। देखी मेरी मेथी के परांठे हो चुके रेडी, ये देखो मेथी के परांठे। ये हमारी 11 की लोकल मेथी थी, तो सबसे पहले हमने उसका परांठा बनाया। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है और पतिदेव जी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय। पतिदेव हो रहे तैयार, किया अदाई है आज पतिदेव की। देखो कातिली लग रही है आज तो। कहाँ जा रहे हो वैसे आज? कोटी जा रहे हो ना? कहाँ जाता हूँ? अरे और बार ब्लैक कोट में जा रहे हो आज, ये व्हाइट पहना हुआ है। ठंड होगी है। ओहो आज ठंड है, इस वजह से इन्होंने आज गर्म कोट पहना है, क्योंकि आज बाहर बारिश लगी हुई है। और छाता ले जाओगे? छाता ले जाओगे? हेलो, हाय 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 हाय। बहुत शर्माती बेचारे कैमरे देख के, है ना? मैं नहीं शर्माता, हाँ। कैमरा गंदा दे रहा, धुंधली आ रही है वीडियो। नहीं जी, आप अपने आप का सोचो कि आप ज्यादा स्मार्ट आ रहे हो, कैमरा धुंधला नहीं, कैमरा मेरा साफ है, ऐसे ही होगा। और मेरी तो आज बिंदी भी नहीं लगी, बिंदी सुबह सुबह निकल जाती है। एक तो बिंदी की गोंद आज कैसे खड़ी चुका ना, बंद कर ये नहीं, बंद क्यों करूँ मैं, तैयार करूंगा उसमें क्या है, ऐसे से अच्छा तो वैसे लग रहा था। इधर देखो तो वो खड़ा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा वाला। हाँ, अब करो, ऐसे करो। तो ये मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, तो आज मैंने जो इस तरह का गर्म सूट पहना हुआ है, ये देखो, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो मैंने ये वाला आज
जो गर्म छूटता मैंने ये वाला पहना और काफी अच्छा है ये, मुझे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है ये। बाथरूम में टाइम ना अभी 11 बज रहे हैं, तो ये देखो कपड़े धुल रहे हैं। और ये क्या लाइट चली गई? हाँ नहीं लाइट तो है, लाइट ही गई चलते चलते, पता नहीं लाइट चली गई। तो हैंड मौके पर लाइट चली गई, हमारी मशीन फुल है कपड़ों से। अब देखते हैं थोड़ी देर कब तक आएगी, तब तक आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा अपना बाथरूम। ये देखो अब मौसम थोड़ा सा साफ हो गया ना, तो सोचा कपड़े धो लेते हैं। और जी फाइनली हमारे कपड़े धुल गए और लाइट गई थी, बट उस एन मौके पे आ गई। और अब मौसम भी थोड़ा थोड़ा साफ लग रहा है, और इवन अभी थोड़ी थोड़ी हल्की, हाँ जी हाँ जी, हल्की हल्की सी धूप भी लगी थी। और मौसम साफ हो जाए बस, जो कपड़े वो सूख जाए। और ये देखो मेंढक स्कूटर चला रहा, बाइपर का स्कूटर बनाया हुआ है। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है, बट जैसे मौसम साफ हो जाएगा तो थोड़ी धूप मिल जाए तो उतनी ठंड नहीं लगेगी फिर। और बस सब खाना वाना खाएंगे, फिर देखते आगे क्या करेंगे। टाइम अभी हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, और मैं आपको मिलाती हूँ न्यू बॉर्न बेबी से, जो बिल्कुल अभी अभी छोटा सा है और अभी अभी हुआ है। और वो देखो न्यू बॉर्न बेबी का मुंडी दिख रही है, आओ आपको मिलाती हूँ न्यू बॉर्न बेबी से। देखो बिल्कुल न्यू बॉर्न बना हुआ है, देखो ये देखो बिल्कुल छोटा बेबी। रो के दिखा, छोटा बेबी कैसे रोएगा, रो के दिखा दो, छोटा बेबी बन के दिखा। देखो ब्लैंकेट में बिल्कुल छोटा बेबी बना हुआ है, कपड़े इसने पहनने नहीं, ना ये देखना जैकेट पहनती, ना ये शूज़ पहनती, ना ये सॉक्स पहनती, ना ये टोपू पहनती, कुछ नहीं पहनती। और मैं सबको बता रही हूँ, ये देख, नहीं नहीं मैं बता रही हूँ, और गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो जी दोस्तों अब टाइम हो चुका है चाय का, और ये आ चुकी है मेरी अदरक वाली चाय। जैसे कि ठंड है तो अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, तो आप लोग भी आ जाओ और इन्जॉय करते अब चाय। जैसे ठंड हो गई है ना, तो अदरक वाली चाय जो है बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है अदरक वाली। अदरक ना हो तो इलायची, ये दो चीज़ें जो है वो यूज़ करती हूँ मैं चाय में। कभी अदरक डालती हूँ और कभी इलायची वाली चाय बना देती हूँ, उससे टेस्ट ना अच्छा आता है। और सच में चाय में ना दालचीनी वाली चाय भी बहुत अच्छी बनती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मिक्स करके ना मसाला टी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनी अच्छी। गिर जाएगा वो, कहाँ बिठा रही है इसको। ओ ओ ओ ओ टिश कैम। तो जी बन रही है चपातियाँ, साथ में गुनगुनाया जा रहा है गीत, क्योंकि ये होता है मेरे किचन में अभी जो चपाती बनाने का टाइम है, साथ में मैं गीत भी गाती रहती हूँ, और चाहे जैसा मर्जी हो गाती रहती हूँ। पर आदत होती है ना, जैसे किचन में काम कर रहे होते तो मतलब गाने वाने की, तो मैंने कहा चलो गाना भी गा लेती हूँ, चपातियाँ भी बना लेती हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया मैंने क्या क्या किया दिन में, और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, एंड सबसे ज़रूरी बात जो है सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाय बाय।